रवरे मन के जोहार। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे राज निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई दीपक बिरवा जी, यहाँ उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी, विधायक कल्पना सोरेन जी, माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, यहाँ उपस्थित समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, राज्य के पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता जी, राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी जी और विभागीय सचिव, जिन लोगों ने मिलकर आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, विभागीय सचिव कृपानंद झा जी और यहां आए हुए विभिन्न कोनों से आए हुए आप सभी आदिवासी समुदायों के कलाकार भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबका मैं आज के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारे राज्य में ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है।
हमें गर्व है कि हम ऐसे धरती में हम लोगों ने जन्म लिया जिसको झारखंड ही नाम नहीं बल्कि इस राज्य को वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हो, जहां सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो टाना भगत नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी निर्मल मातो विनोद बिहारी मातो अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज को लड़ने अलग करने के लिए यहां के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा झेला। लगभग राज अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं, अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज और राज्यों की अपेक्षा इस राज की एक अलग पहचान एक अलग इतिहास रहा है। सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले मूलवासी आदिवासियों पर शोषण होता रहा है। देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत ही अलग थलग रहे हैं। इसी कारणवश हमारे पूर्वजों ने हमारे अगुआ लोगों ने राज अलग करने की परिकल्पना रखी और 2000 ईस्वी में अनेकों कुर्बानी अनेकों बलिदानी के बाद इन लोगों ने राज हमें सौंपा है। राज बनने के बाद राज को विकास के पथ पर चलाने के लिए कई बार यहाँ पर सरकारें आई कई बार सरकारें गई और अभी वर्तमान में 2019 से मैं आपके बीच में सरकार चलाने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। 2019 की सरकार बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव को भी नहीं मना पाए थे क्योंकि उसमें कोरोना और कोविड काल चल रहा था। पूरा देश दुनिया लॉकडाउन से ग्रसित था, इस महामारी से ग्रसित था। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज के दिन में भी देश के विकास के उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जो आज के दिन में होने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में अलग अलग तरीके से हम लोगों ने नए आयाम छूने का प्रयास किया, विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया, हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य उपलब्ध हो सके इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चाहे वो मॉडल स्कूल के नाम पर, चाहे हमारे इस राज्य के गरीब गुरुवार लोगों को सर्वजन पेंशन के नाम पर, चाहे इस राज्य के हर एक महिला को सम्मान राशि उपलब्ध कराने के नाम पर मुख्यमंत्री सम्मान राशि योजना की योजना प्रारंभ कर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं योजनाओं को गिराना नहीं चाहता। आज उत्साह का दिन है और हमें संकल्प लेने का भी दिन है। हम लोग बहुत मुश्किलों से बहुत झंझावतों के बाद
बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे आईएएस आईपीएस की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉरपोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र का मिलता है। इसीलिए आने वाला समय में हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार के तौर पर भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है, और इसमें आम नागरिक के नाते आपकी भी भूमिका अहम होती है। आप लोग के साथ कदम से कदम चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है, हर तरीके से हर वक्त आपके सामने सरकार खड़ी है आपकी सहायता के लिए, और यही वजह है कि आज अलग अलग कोने से सरकार के ऊपर इतनी आशाएं लोगों पर जगी हैं कि उन आशाओं को पूरा करने में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का कि बहुत संक्षिप्त समय में हमारे इस कार्यक्रम में आकर मुख्य अतिथि का जो हम लोगों ने निवेदन किया था, उस निवेदन को इन्होंने आग्रह किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। अभी नए नए इन्होंने भी राज का जिम्मेवारी संभाला है, व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से आज इनको भी बाहर जाना है, लेकिन इसी कम समय में भी इन्होंने वक्त निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिनकी संवेदनाएं, जिनका संकल्प इस प्रदेश के आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ